नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकलस में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है, जहां पर मारा गया है बुरहान वानी का चचेरा भाई इम्तियाज। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम ने अंसार गजवात उल हिंद के कमांडर इम्तियाज शाह को मार गिराया है। आपको बता दें कि आतंकी इम्तियाज बुरहान वानी का चचेरा भाई है। घाटी में चल रही दो मुठभेड़ों में अब तक 7 आतंकी मारे गए हैं। अगली अपडेट राफेल सौदे को लेकर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने खबरें देखी कि राफेल को एक घोटाले के रूप में बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जबकि जो हकीकत है वो इससे परे है। और कुछ देश के ही मीडिया चैनल्स, खासकर की लुटियंस मीडिया ने इस खबर को इस तरीके से बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जिससे कि भारत की इमेज खराब हो सके। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इस देश में मीडिया कई भागों में बढ़ चुकी है, खासकर की लुटियंस मीडिया जो कि देश के खिलाफ लगातार एक प्रोपेगेंडा चला रही है। ऐसे में अब राफेल सौदे को लेकर जो बात सामने आई है वो बात आपको जाननी भी जरूरी है। भारत में राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए सौदे पर लगाए गए कई आरोपों के बाद अब विमान बनाने वाली कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने क्लैरिफिकेशन दिया है। कंपनी ने कहा कि 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ साल 2016 में किए गए सौदे में अनुबंध संरचना का किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। डेसॉल्ट एविएशन के प्रवक्ता ने कहा कि फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी समेत कई अधिकारी संगठनों के द्वारा बहुत सी जांच भी की जाती है। डेसॉल्ट एविएशन के अधिकारी ने बताया कि वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रिश्वतरोधी प्रस्ताव और राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करते हैं। और इस तरीके से बात सामने आती है कि फ्रांसीसी मीडिया प्रकाशन मीडिया पार्ट ने इस खबर को बड़ा चढ़ाकर दिखाया था जिसका आधार था ही नहीं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वारी है AK-103 असॉल्ट राइफल्स को लेकर। तीन राज्य की सरकारों ने रूसी क्लाश्निकोफ AK-103 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए समझौता करने के लिए वे तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित तीन राज्य सरकारों के साथ बहुत ही जल्द ये अनुबंध किया जा सकता है। इन राज्यों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए इन असॉल्ट राइफलों की खरीद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार हालांकि खरीदे जा रहे नंबर बड़े नहीं है, लेकिन अगले कुछ महीनों में अधिक से अधिक राज्यों से चर्चा समाप्त होने की तो उम्मीद है। तीन राज्यों के लिए इन असॉल्ट राइफलों के सौदे को एक महीने के समय में पूरा किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन राइफलों की तत्कालीन आवश्यकता है। इस सौदे को तेजी से किया जा रहा है क्योंकि अर्धसैनिक बलों के लिए हथियार और उपकरण एक राज्य विषय है। छत्तीसगढ़ के हाल ही में नक्सली हमले में 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद रूस की कंपनी के साथ इस सौदे को जल्द से जल्द फाइनल किए जाने की योजना बनाई गई। रूस की राइफल्स अर्धसैनिक बलों को नक्सलियों से लड़ने में मदद करेगी। AK-103 विश्व प्रसिद्ध रूसी असॉल्ट राइफल का अधिक आधुनिक संस्करण है। रूसी राइफल को राज्य बलों के लिए कई हजार असॉल्ट राइफलों की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद है। AK-103 का ये संस्करण पहले से ही इंडोनेशिया और वेनेजुएला में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लाश्निकोव AK-101, AK-102, AK-103 और AK-104 राइफलें प्रसिद्ध AK-47 असॉल्ट राइफल का नया और आधुनिक संस्करण है। ये 5.56 mm और 7.6 mm कारतूस फायरिंग के लिए इसे बनाया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो INS विक्रांत को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर मिसाइल सिस्टम LRSAM ऑन बोर्ड का एकीकरण का काम बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM प्रणाली से एयर डिफेंस कवर मिलने लगेगा। LRSAM IAI और DRDO के द्वारा ज्वाइंट वेंचर के तौर पर बनाई गई है, जिसकी 70 किलोमीटर से अधिक की रेंज है और ये हवाई, समुद्री या जमीन से समुद्री क्षेत्रों के खतरे के लिए एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ एक हवाई रक्षा प्रदान करता है। हालांकि INS विक्रांत के लिए DRDO के द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM को विकसित भी किया जा रहा है, जो कि LRSAM का सप्लीमेंट होगा। VLRSAM की सीमा 40 किलोमीटर है और वे भारतीय नौसेना के लिए विस्तारित LRSAM-ER वेरिएंट संस्करण पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त बूस्टर की सुविधा होगी और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। आपको बता दें कि INS विक्रांत ने पिछले साल बेसिन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब नौसेना इसका सी ट्रायल शुरू करने वाली है। अगली अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नूरलान को विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। कजाकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान भारत की सरकारी यात्रा पर आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान ने
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों की पिछली मुलाकात 5 सितंबर 2020 को SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में मॉस्को में हुई थी। अगली अपडेट वायुसेना को लेकर आ रही है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान SU-30 MKI से उड़ान भरकर इसकी क्षमता में वृद्धि का जायजा लिया। वायुसेना की ओर से कहा गया है कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बेंगलुरु में इसके क्रू सदस्यों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से इसकी जानकारी ली। इस विमान को वायुसेना में शामिल करने से पहले एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी उड़ान के दौरान जाँच की। भदौरिया जी ने इस दौरान जारी परियोजना की भी समीक्षा की। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरे भारत के सामने सुरक्षा के क्या खतरे मौजूद हैं, इस पर भारतीय सेना के टॉप कमांडर यानी कि CDS जनरल विपिन रावत ने खुलकर बात की। CDS जनरल विपिन रावत ने साफ कहा कि देश को साइबर खतरों से निपटने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करने, थिएटर कमांड स्थापित करने, नागरिक और सैन्य तकनीक प्रयास को बढ़ावा देना होगा ताकि आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटा जा सके। विपिन रावत ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए थिएटर कमांड की स्थापना से एक सेना को बढ़ावा मिलेगा जिसमें अन्य दो विलीन हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपना अगला युद्ध पिछले लड़े गए युद्धों के अनुभव को ध्यान में रखकर उसमें इस्तेमाल सामग्री से नहीं लड़ सकता। रावत ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि युद्ध के हिसाब से आज की और भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। बढ़ते अपनी इंटरनेशनल खबरों की ओर। अब US की दादागिरी भी सामने आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से US दुनिया भर में दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, ठीक उसने भारत के साथ भी यही काम किया है। अमेरिका की नौसेना ने भारत सरकार के लक्षद्वीप के पास समुद्र में विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर दावे को बड़ी चुनौती दी है। अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े ने कहा कि उसने भारत से अनुमति लिए बिना लक्षद्वीप के पास भारत के स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अमेरिकी नौसेना का ये बयान भारत की समुद्री नौवहन सुरक्षा नीति का सीधे सीधा उल्लंघन है जिसके तहत ऐसे अभ्यास के लिए अनुमति लेना जरूरी है। अमेरिका ने इस विवादित बयान पर अब भारत सरकार की कड़ी नजर है। अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 7 अप्रैल को युद्धपोत US जॉन पॉल जोन्स ने भारत से अनुमति लिए बिना लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील की दूरी पर भारतीय क्षेत्र में नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक है। वहीं भारत ने दावा किया कि उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास या आने जाने से पहले पूर्व सूचना देनी होगी, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाता है। अमेरिकी नौसेना का ये बयान भारत के साथ उसका तनाव बढ़ाने वाला है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के नजदीकी रणनीति सहयोगी भी हैं। साथ ही दक्षिणी चीनी सागर में चीन की दादागिरी का मिलकर विरोध भी करते हैं। यही नहीं, भारत और अमेरिका पूरे साल नौसेना अभ्यास करते हैं। अमेरिकी नौसेना ने यह भी कहा कि हम सामान्य और अक्सर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन एक देश के बारे में नहीं है और ना ही वे राजनीतिक बयान दे रहे हैं। इस अमेरिकी दादागिरी पर अब भी भारतीय नौसेना या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया। इससे पहले क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। हालांकि दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मानना बेहद जरूरी है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ही क्यों ना हो। अगली अपडेट चबहार पोर्ट को लेकर आ रही है। भारत ने थोड़े ठहराव के बाद इस साल की शुरुआत में चबहार पोर्ट पर काम तेज कर दिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस ईरानी बंदरगाह का संचालन अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। अमेरिकी सांसदों के लिए तैयार इस रिपोर्ट में कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने कहा कि 2015 में ईरान के चबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन बिछाने के काम में मदद के लिए भारत तैयार हो गया था। इस रेलवे लाइन से भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान से बेरोक टोक व्यापार करने में मदद मिलेगी। अगर अमेरिका ईरान से प्रतिबंधों को हटाता है तो भारत ईरान से तेल लेना शुरू कर देगा जिससे कि भारत में जो बढ़ते हुए तेल के दाम है उनमें कटौती भी आ सकती है, क्योंकि 2011-2016 के दौरान जब संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे तो भारत का ईरान से तेल आयात काफी कम हो गया था। लेकिन 2016 में प्रतिबंधों के हटने के बाद भारत का ईरान से तेल आयात बढ़ा। जुलाई 2018 में ये 8 लाख BPD यानी कि बैरल प्रतिदिन हो गया था, जो 2011 से काफी ज्यादा था। चबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है, जो भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करता है। बढ़ते हैं अपनी स्पेस खबर की तरफ। मंगल ग्रह पर नासा का मार्स रोवर परसिवियरेंस और हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी उस पड़ाव के करीब पहुंच गए हैं जहां पर वो एक नया इतिहास रचेंगे। नासा के मुताबिक 11 या 12 अप्रैल को
इंजीविनिटी अपनी पहली उड़ान शुरू करेगा। ये फ्लाइट सुबह 3:30 यानी कि अमेरिका के स्थानीय समय अनुसार की जाएगी। हालांकि नासा का कहना है कि फ्लाइट रात में भी हो सकती है। नासा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग अपने टीवी वेबसाइट और नासा ऐप पर भी करेगा। इसके अलावा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। इसे JPL और फेसबुक के यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। इसे लेकर नासा ने हेलीकॉप्टर की फाइनल टेस्टिंग शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर के रोटर को घुमाकर देखा गया है। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाकर इसको चेक भी किया जा रहा है। नासा के ट्वीट के मुताबिक इसको 50 RPM की रफ्तार पर फिलहाल चलाकर देखा गया है। नासा के मुताबिक मार्स रोवर इस वक्त हेलीकॉप्टर इंजीविनिटी से करीब 60 मीटर यानी कि 200 फीट की दूरी पर खड़ा है। आपको बता दें कि नासा इस हेलीकॉप्टर की टेस्ट फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है। नासा ने इसके रोटर को घुमाकर चेक कर लिया है। ये फिलहाल सही काम कर रहा है। इस पथरीले ग्रह की सतह पर हेलीकॉप्टर करीब 30 दिन तक उड़ान भरकर यहां की जानकारियां जुटाएगा। ये 30 दिन मंगल ग्रह के हिसाब से होंगे। फ्लाइट के दौरान इंजीविनिटी को मार्स रोवर का पूरा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। ये इमेज क्लिक करने से लेकर वहां के वातावरण से डेटा एकत्रित करने का भी काम करेगा और इसमें जुटाई गई जानकारी को नासा के कंट्रोल रूम में भेजेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।